सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं साकेत, फिर इसके बाद इसका नाम फैजाबाद हुआ, आजकल अयोध्या हो गया है। आज मैं साकेत अयोध्या फैजाबाद की धरती पर हूं और मैं आज राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन 4 जून के लिए फैजाबाद के सभी जिंदा विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी लोगों को आमंत्रित करने आया हूँ। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जिंदा जागरूक लोग रहते हैं, मैं उन्हें सब लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ। और आज मैं चाहता हूँ कि आज आप सभी लोग अपना अपना कार्ड दिखाएं, सामने कार्ड दिखाइए, सभी लोग अपना अपना कार्ड दिखाइए। देखिए सभी लोगों के पास इन्विटेशन कार्ड है। ये कार्यक्रम लगभग 10-12 जनपदों का हो रहा है। प्रत्येक जनपद में बहुत ऊर्जा है, साहस है और उत्साह है। बहुत बड़ी संख्या से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। फैजाबाद से लगभग 5 बसें कर दी गई हैं और अगर लोग बढ़ते हैं तो और ज़्यादा बसें बुक करा दी जाएंगी, जैसा कि आप सभी लोग कह रहे हैं। और मैं आज इनको आमंत्रित करने आया हूँ। विचार करिएगा, इतनी बड़ी धूप है और बहुत ज़्यादा लू चल रही है, लपट चल रही है, इस लपट में भी इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है और ये बहुत बड़ी संख्या में गोरखपुर 4 जून को आने वाले हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ नारे लगाएंगे, तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। देखिए उत्साह और जोश की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज यहाँ बैठक हुई और बैठक में सभी लोग बड़े उत्साह के साथ गोरखपुर 4 जून पहुँच रहे हैं। जितने भी जनपद जिनमें निमंत्रण दिया गया है, मैं निवेदन करता हूँ कि कोई भी ब्लॉक, कोई भी तहसील, कोई भी विधानसभा, कोई भी नगर पंचायत, कोई भी नगर पालिका ना बचे जहाँ से ज़्यादा लोग ना आए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये पूर्वांचल का पहला सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा जहाँ पूरी दुनिया के लोग आएंगे, जहाँ बाबा साहब का परिवार आ रहा है, जहाँ देश विदेश से बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं और हम सब लोग इकट्ठा होकर अपनी संस्कृति, अपना दर्शन और अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखने की कसम खाएंगे, संकल्प लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।